दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 178 किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा के पास घने जंगलों में बसा है एक पुरातन और रहस्यमय स्थान उनाकोटी। यहाँ ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बनी है बेहद खूबसूरत मूर्तियाँ। दरअसल उनाकोटी एक बंगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है 1 करोड़ से कम, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पत्थरों में 99,99,999 हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ तराशी गई है। उनाकोटी में दो तरह की मूर्तियां मिलती है, एक जो पत्थरों को काटकर बनाई गई है और दूसरी जो पत्थरों पर उकेरी गई है। इन मूर्तियों में भगवान शिव, देवी दुर्गा, भगवान विष्णु और भगवान गणेश आदि की मूर्तियां बनी है। इस स्थान के मध्य में भगवान शिव की एक 30 फुट की ऊंची प्रतिमा बनी हुई है जिसे उनाकोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के साथ दो देवियों, देवी दुर्गा और देवी गंगा की भी प्रतिमा बनी हुई है। उनाकोटी इसलिए भी रहस्यों से भरा है क्योंकि ये जगह पहाड़ी इलाका है जो घने जंगलों और दलदलों से भरा है। ऐसे में जंगलों के बीचों बीच लाखों मूर्तियां कैसे बन गई होगी, क्योंकि पहले तो इस इलाके में दूर दूर तक कोई रहता भी नहीं था। आर्कोलॉजी के अनुसार ये मूर्तियां 8वीं और 9वीं शताब्दी की रही होगी। यह जगह अनेक किदवंतियों से भरी है। प्राणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ यहां से काशी जा रहे थे। थके हुए सभी देवी देवता विश्राम करने के लिए रात में यहीं ठहर गए थे। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव यहां रुक तो गए, पर उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि सुबह होने से पहले सभी को यह स्थान छोड़कर जाना होगा। लेकिन जब सुबह हुई तो कोई भी देवी देवता जाग नहीं पाए। भगवान शिव ने क्रोधित होकर सभी देवताओं को शराप देकर पत्थर में जमा दिया। एक और मान्यता ये भी है कि एक स्थानीय मिस्त्री ने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए एक रात्रि में 1 करोड़ मूर्तियां बनाने का प्रण लिया, पर जब सुबह हुई तो एक मूर्ति कम पड़ गई। इस कारण इस जगह का नाम उनाकोटी पड़ा। ये पहाड़ियां और यहाँ पर बनी हुई मूर्तियां स्थानीय तिब्बत और वर्मा के आदिवासियों के लिए तीर्थ स्थान है। शताब्दियों से यहाँ के लोग प्रार्थना और अनुष्ठान के लिए यहाँ आते हैं। हर साल यहाँ हिंदू माह चैत्र की अष्टमी को बहुत मशहूर अष्टमी या उनाकोटी मेला लगता है। स्थानीय आदिवासी उस दिन यहाँ उनाकोटी के कुंड में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि इतने बेहतरीन सबूत होते हुए भी इस उनाकोटी जगह के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है।